बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग को बढ़ाकर 1.5% से 10% किया जा चुका है। अब सरकार पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। जितना ही देश इस दिशा में आगे बढ़ेगा उतना ही हमारे गन्ना किसानों को भी फायदा होगा। भाइयों और बहनों, खेती हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, बेहतर शिक्षा हो, बेहतर स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ अच्छी कनेक्टिविटी से और सशक्त होते हैं। इसलिए बीते वर्षों में हम कर्नाटका की कनेक्टिविटी पर बहुत अधिक फोकस कर रहे हैं। 2014 से पहले के 5 वर्षों में कर्नाटका में रेलवे का बजट कुल मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए था, जबकि इस वर्ष कर्नाटका में रेलवे के लिए 7,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस वक्त कर्नाटका में रेलवे के लगभग 45,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि इसके कारण कर्नाटका में कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। बेलगावी का आधुनिक रेलवे स्टेशन देखकर हर किसी को आश्चर्य भी होता है, हर किसी को गर्व भी होता है। इस आधुनिक रेलवे स्टेशन से यहां सुविधाएं तो अधिक हुई है, रेलवे को लेकर विश्वास भी बढ़ रहा है। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। कर्नाटका के अनेक स्टेशनों का, रेलवे स्टेशनों का ऐसे ही आधुनिक अवतार में सामने लाया जा रहा है। लौंदा घाटप्रभा लाइन की डबलिंग से अब सफर तेज होगा और सुरक्षित होगा। इसी प्रकार जिन नई रेल लाइनों पर आज काम शुरू हुआ है वे भी इस क्षेत्र में रेल नेटवर्क को सशक्त करेगी। बेलगावी तो एजुकेशन, हेल्थ और टूरिज्म के लिहाज से एक बड़ा सेंटर है। ऐसे में अच्छी रेल कनेक्टिविटी से इन सेक्टर्स को भी लाभ होगा। भाइयों और बहनों, भाजपा की डबल इंजन सरकार तेज विकास की गारंटी है। डबल इंजन सरकार कैसे काम करती है इसका उदाहरण जल जीवन मिशन है। साल 2019 तक कर्नाटका के गांवों में सिर्फ 25% परिवारों के पास घर में नल से पानी के लिए कनेक्शन था। आज कर्नाटका में नल से जल की कवरेज डबल इंजन सरकार के कारण, हमारे मुख्यमंत्री जी के सक्रिय प्रयासों के कारण आज कवरेज 60% से अधिक हो चुकी है। यहां बेलगावी के भी 2 लाख से भी कम घरों में नल से जल आता था, आज ये संख्या 4.5 लाख पर पार कर चुकी है। हमारी गांव की बहनों को पानी के लिए भटकना न पड़े, सिर्फ इसी के लिए ही इस बजट में 60,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं।